अब तक आपने देखा अगर घर का कोई सदस्य है उसके लिए मौन व्रत रख है ना तो तितली का ब्याह हो जाएगा। तितली की गुरु तो मैं भी हूँ ना, यो तप का काम तो मैं ही कर सकूँ। देखो ना लक्की जी, आपकी इस कबूतरी के लिए मैं भी बाबा जी के पास जा रही हूँ तपस्या करने। दिखा दे छोरी ने कि अपने परिवार के साथ धोखा करने का के अंजाम हो वैसा। अब आगे अरे भाई ये छोरी तो कमाल से घना टक्कर दे रही से प्रधान सिंह और उसके छोरे को। तू तो मारी एक के चीख में चीख हो गया अंतरधारी। ये भोलेनाथ जी कितनी घनी गर्मी करवा दी तुमने तो, मई के महीने में भी ऐसा लग रहा है जैसे जून जैसी गर्मी पड़ गई हो। तुम्हारे को प्रज्ञा दिख रही है, ये अच्छा करा भोलेनाथ जी तुमने, इस तो मैं इसी की गाड़ी में बैठ के घर जाऊंगी। प्रज्ञा 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 सुन तो ले मारी बात। हे भगवान, इस चोरी ने तुम्हारे को मुड़ के बिना देखा, इतनी टेढ़ी धूप में मारे को तो पैदल ही जाना पड़ेगा। वो गाड़ी तुम्हारे घर की तरफ ना जा रही, लग रहा है जमुना जी से मिलने आई है ये चोरी। अरे वो तेजी देख रहा है थारी पीठ पीछे क्या हो रहा है। तू ना घबरा छोरी, तन्ने कुछ ना हो सके से। अरे ई है ना, प्यार करने वालों ने कोई गुनाहगार ना समझ सके है, बल्कि मैं इन गुनाहगारों ने सारे आम सजा मिलेगी। भाइयों, ई बाया है असली मजा, बजा ताली। दीदी, आप मुझे पता बता सकती हो क्या? यो मजाक है के? इस पे तो कुछ ना लिखा है। हाँ ले दीदी, हमें माफ कर दो। वैसे तुम हो कौन और यो गमछा क्यों बांध रखा है सकल पे? अरे तो इसमें तो अंतिम बड़ी बात है, जनता हटा देते हैं उसमें।
पतल 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 अरे यार समझ में चले। इसे फटाफट उठाओ और गाड़ी में डालो। लुरिन बनने का बड़ा शौक सनातने ये बन ही रहे। या तो सरासर ना इंसाफी है छोरे, अकेला लड़ता ना मारे ते अपने बापू को क्यों भेज दिया? आओ और दो चार फटके खाओ। छोरा क्या गांव वालों, आंखें खोल के देख लो। अरे हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जो कोई भी हमारे बीच में टांग अड़ावेगा उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। इब देखो इस बदतमीज छोरी को हम क्या सजा देवेंगे। अपनी छोरी को सजा देने से पहले इस छोरी को सजा देवेंगे और इस छोरी की सजा से मारी छोरी के मुंडन से पहले इसका मुंडन। जब प्रधान सिंह से टकराएगी तो ये हाल होगा। सही है, पर छोरी है तो हिम्मत वाली, कम से कम आवाज तो उठाई से। थोड़े खड़ा है ना, उड़े खड़ा रहिए। ये थन्ने मारी गेला कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना। ए, इसकी बातों में मत पड़, आजा। इसका मुंडन कर। इसका मुंडन होते ही इसकी जबान अपने आप बंद हो जाएगी, आजा। अरे जालिम है जालिम ये प्रधान सिंह। जालिम सिंह यहाँ? ये तो क्या कर रहा है जालिम सिंह? वही कर रहा हूँ जो मैंने सही लगे से, तो जो मैंने अभी करना चाहिए। अरे बिल्ली, और हम ते ही मियाँ, अब तू मैं सिखावेगा, हैं? अब चेला गुरु को सिखावेगा कि के गलत और के सही। ए जालिम सिंह, तो आज जहाँ खड़ा से ना, मारी बदौलत खड़ा से। अच्छे से जाने हूँ प्रधान सिंह जी, आप ही की बदौलत मैं जेल जा चुका था। जेल में वहां बहुत कुछ समझ आया। आज मैं बदले हुए नए रूप में बाहर आ चुका हूं और मेरी आंखों के सामने ऐसी घटिया हरकतें होते हुए मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। अरे माँ, वरदान। रहे, खुश रहे, बड़े दिन हो गए मिले माँ। अरे यो के तेज कैसी है तारी, इतना पतला दुबला किससे हो गया? अपना ख्याल ना रखे के? माँ मैं जितना मर्जी भूल जाऊँ आपने हमेशा कमजोरी लगता हूँ, इसलिए आपने मारा मन पसंद का खाना बनाया ना। अच्छा वो सब छोड़ो, कैसे हो? अरे मन ने के होना है, तने देख के तो वैसे ही मैं ठीक हो जाऊँ। पायल ने तो मारे से बोला था कि वरदान के संग प्रज्ञा भी आएगी, पर वो तो ना आई। प्रज्ञा के बारे में वरदान से पूछूं या ना? वरदान वो प्रज्ञा? प्रज्ञा जी बिल्कुल ठीक है माँ। यो तो घनी अच्छी बात है, हाँ? मैंने यो सुनकर बहुत खुशी हुई, जिसे ना मैंने प्रज्ञा की बहुत याद आ रही। लो आपने मैंने याद किया और मैं आ भी गई। अरे प्रज्ञा आजा आजा, चोरी आजा, तेरी बात हो रही थी। बैठ 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 किसी है चोरी तू? तूने घना अच्छा किया जो हमारे को मिलने को आ गई। क्यों ना आती माँ मैं, अब प्रधान जी का हमारे को ना पता, वो काम में बिजी रह हुए है ना, इसलिए ना आ सके। पर इससे मैं आपसे मिलने रोज आया करूंगी, और हाँ आपके हाथ का बना खाना भी खाऊंगी, पहली बता देती हूँ।
ठीक से यो की कहने वाली बात है, थारा अपना घर से थारा जब जी करे ना तब आ जाए, कोई रोकने टोकने वाला थोड़ी ना। और फिर आज मैं तुम दोनों के मन पसंद का खाना पहले से बनाकर रखा से, तुम दोनों को खाने के लिए एक जैसा स्वाद पसंद से ना। पायल बोल रही थी, माजी मैंने कहा था ना आपकी मेहनत बर्बाद ना होने दूंगी। आपने इतने मेहनत से खाना बनाया से सब कट कर जाऊंगी। पायल तू खुश रह। अच्छा माँ जी आज ना आपका अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं सब काम धाम छोड़ के आई हूँ। चलो आपने लेके मन मेरा है कि आपको इस उम्र में ना ज्यादा बातें याद ना रहती हैं, पर अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है। चलो चलो, अरे ये अपॉइंटमेंट के लिए भी जाना जरूरी से। मैंने तो इन दोनों के मन पसंद का खाना बनाया से, पहले खिला तो लूं फिर चले चलेंगे। हाँ तो माँ जी खाना बना दिया ना आपने, खा लेंगे दोनों बच्चे ना है। चलो माँ खाना खा लेना। खा लेना। अरे हाँ प्रज्ञा वरदान खाना जरूर खा लेना, और वो भी साथ मिलके। भाभी भी तूफान में लग कुछ भी बोल देती है। कर रहा है कुछ कर जालिम सिंह। अरे भाई ये काम बैठ। हाँ पिंकी, ये पिंकी बड़ों के बारे में भी कुछ नहीं बताया, ये कुछ तो बोल अपने मुंह तो पोड़ियो, बोलती क्यों ना कहाँ है तू। अरे मन्ने लागे से कि तू ये नहीं आई से। मैंने पिछाना ना तुमने शादी से चश्मे की वजह से, पर कोई ना मैं बता रही हूँ मैं सो कमला से। अरे मन्ने के तू कोई से, ये हमारा लकस है, हमारे सिवाय कोई नहीं बैठ सके, चल निकल यहाँ से। गणाई बदतमीज से तू तो पचर पचर जबान चला रहा है, ऐसा मारूंगी टंड याद रखेगा आगे बात समझ में। ये भगवान देखे भला किसा जमाना आ गया, अंधे धुंधे की मदद करने थे तो गए। यो के अरे से मना किया ना, निकल यहाँ से, यहाँ बैठकर हमारे ग्राहकों पर हाथ साफ कर रही से। अम्बा और वैसे भी तू तो अच्छी खासी लग रही से, क्यों भीख क्यों मांग रही से। रे तो मैं भीख मांगने वाली लग रही हूँ, मैं भीख मांगू। अरे यू चश्मा लगा के हाथ में छड़ी लेके मंदिर के सामने बैठ के क्या फिल्म देखने आई से, भाग यहाँ से। अम्बा ये मैं सारी बात समझ गई। आय हाय पिंकी तने मेरी गैल साल खेली सा है, मेरे अंधेपन का फायदा ठाक है या भिकारियों के बीच में मैंने भिकारन बना के बैठागी। कमला भाभी आय मालती भाभी इन लोगों के बीच में क्या कर रहे हो आप। क्या बताऊं तने मालती, मैं उसके पिंकी के साथ बाजार आ गई थी, उसे पता ना के टुंगणू मुंगणू खरीदने थे
हैं और उसे जाने की सेल दीगी और मने वही छोड़ के और वह तो पुचक्कर होगी भागी गायब ही होगी कतई है और मैं नुकेली हाथ पांव मारती हुई ढूंढ डांडती हुई यहाँ तो आएगी मने तेरा था मालती अम्ब तू आवेगी भाभी वैसे तो हमारे को ना आना था पर तितली को देखने आ गई वो भरपाई को बोल के आई थी कि मंदिर जा रही है तो मैंने भी सोचा एक पंथ दो काज हो जाएंगे मंदिर भी होऊंगी और तितली को भी ले आऊंगी चलो भाभी तितली तो मिली ना आप चलो घर चलो रुको यो लो या यो लो चलो यो यो पकड़ो पकड़ो चलो चलो घर आराम से गाँव वालों इब असली तमाशा तुमने मैं दिखाऊंगी तो फिकर ना करे छोरी थारा कोई कुछ ना बिगाड़ सके से अरे प्यार करने वालों ने ना कोई गुनाहगार भी ना समझेगा बल्कि इसे गुनाहगारों ने तो सरेआम सजा दी जाएगी तो फिकर ना कर सजा के तौर पर इन दोनों छोरियों का मुंडन करना चाहता ना तू मुंडन तो होवेगा लेकिन इन छोरियों का ना बल्कि मुंडन होगा तेरा बढ़िया है छोरी का मुंडन करने अब ये सब देखेंगे कि गंजा होकर तू कैसा लगेगा ये हुई ना बात इसकी टकली सूरत तो मन ने भी देखनी था कितना जुलुम करेगा शालिम सिंह अरे माफ कर दे माफी तो तुम्हें जरूर मिलेगी पर यो सब हो जाने के बाद यो तो वही शेर था ना जो थोड़ी देर पहले दहाड़े मार मार के सबने खाने आ रहा था जब खुद पाई तो भिग्गी बिल्ली बन के बैठ गया जब तक इसके टकले सिर पर हाथ ना साफ कर दूंगी ना ये खुजली ना मिटेगी हो जा शुरू दोनों दल दे लेकिन फालतू तो डर गए यार जो फोटो खींचा भेज दे उन्हें भेज दे हाय मालती ना चलती चलती क्यों रोक गई क्या हो गया और क्यों रोना सो रहा रुको बताती हूँ भाई रुक जाओ पुलिस रुक जाओ जालिम सिंह यो के सर इब तो आप आगे जब इनका मुंडन कार्यक्रम शुरू होने लग रहा था इब आगे यो कार्यक्रम रोकन खातर अरे थोड़ी देर पहले जब आप टाइम पे आ जाते तो हम ना इनके इस कुकर्म को रोकन खातर खुद ना लगना पड़ता जो ये छोरी के संग करने जा रहे थे अरे इन्ने तो इतनी भी शर्म ना थी कि या इनकी अपनी छोरी से देखिए हमें तुरंत ही इस घटना के बारे में जैसे ही पता चला हम लोग यहाँ पर आ गए आप लोग चिंता मत कीजिए इसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी लेकिन उसे ये सजा आप लोग नहीं कानून देगा हवलदार ले चलो इन दोनों को
तुम भी चलो गाड़ी में बैठो। सलीम सिंह, तुझे जो करना था वो तूने कर लिया, अब मेरी बारी। चुटकियों में छूट के आ जाऊंगा मैं, छूटने के बाद मैं तुझे तेरी असलियत दिखाऊंगा। आई तितली, यू है थारा मंदिर है? भाई को तू बोल के आई थी कि मंदिर जा रही है, यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है?